नवाज इलेवन इस्माईल इलेवन प्लीज तीन षटकाचा सामना असेल प्लीज सहकार्य करा. तीन षटकामध्ये आपला पॉवर प्ले मिळणार नाहीये याची देखील नोंद घ्या. म्हणजे येणाऱ्या तीन षटकामध्ये धुवाधार फलंदाजी देखील पाहायला मिळेल. तीन षटक जेवढी षटक कमी तेवढी फलंदाजी स्ट्रॉंग होईल. नवाज इलेवन इस्माईल इलेवन या दोन संघादरम्यानची ही अंतिम लढत आजच्या दिवसातली. इस्माईल इलेवन वर्सेस नवाज इलेवन. चला प्लीज सहकार्य करा. एक लक्षात घ्या, आता वेळ जाणार नाही, वेळेची काळजी घ्या. वक्त हमारे पास नहीं है, वक्त रेत की तरफ फिसलता जा रहा है, वक्त तो रुकने वाला नहीं है. वक्त या नजाकत को समझते हुए मैच शुरू होना चाहिए. दोनों तरफ से एक अतिरिक्त खिलाड़ी कॉम बॉक्स में आना बहुत जरूरी है, नहीं तो पेनल्टी लग सकती है. मोहसिन की पहली गेंद. इस बार तारा मंडल में खेलते हुए हवा में, वाओ 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 क्या शुरुआत हुई है. गेंद डीप इन विकेट, बॉडी लाइन की तरफ सीधी, जो कि बॉडी लाइन की तरफ चार अब छह रन रख ले जाती थी. अच्छा शॉट. जब स्वैग से करेंगे स्वागत, ये गाना लगता है तो सबको अच्छा लगता है. इस तरह का शॉट देखने के बाद भी सबको अच्छा लगता है. ब्यूटीफुल शॉट, मजा आया देखने के बाद. बल्लेबाजी बल्लेबाज निखिल द्वारा 10 के ऊपर खेलते हुए राइट अप ओवर द विकेट गेंदबाजी कर रहे हैं. इस पर कमेंट्री बॉक्स से गेंदबाजी करते हुए बहुत ही अच्छा माहौल बना हुआ है. राष्ट्रवादी आमदार चषक 2018 का रण संग्राम चलता हुआ इस ओवर की तीसरी गेंद. मोहसिन द्वारा ऑफ टाइम के बाहर गैप में खेला, पॉइंट और कवर के बीच से गेंद बॉडी लाइन की तरफ चार रन के लिए फरार होती हुई. इनको दिखती है छोटी सी दरार तो ये ढूंढती है रन चार. गेंद बॉडी लाइन के बाहर चार रनों के लिए फरार होती हुई. थैंक यू डीजे. अब देखिए पहली गेंद पर चक्का, दूसरी गेंद पर चौका है. ऑफ साइड पर बहुत ही खूबसूरत शॉट है, चार रन मिलते हुए. ये गेंद एक बार फिर बॉडी लाइन की तरफ जा रही है. दो रन तो जरूर मिलने, नहीं इस बार एक ही मिलता था. दो की कोशिश थी, दो की चेष्टा जरूर की थी, लेकिन अब नौ स्ट्राइक रेट के बल्लेबाज ने मना किया. निखिल ने, निखिल और नंदू दोनों ने बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी की प्रतियोगिता में. राष्ट्रवादी आमदार चषक 2018 का रण संग्राम चल रहा है. शाम का समय है, अच्छे तादाद में दर्शक मौजूद. राइट अप ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए एक बार फिर ऑफ टॉप के बाहर जाके शपलों के ऑन साइड पर खेलते हुए, लेकिन काउ कॉर्नर पर खिलाड़ी मौजूद तेजी के साथ इस गेंद के ऊपर आते हुए एक रन मिलता हुआ. एक रन के साथ रन संख्या अब बढ़ती हुई कुल मिलाकर अब 16 रन, 16 ऑन द बोर्ड, 16 रन बने हुए हैं. और विकेट की अगर बात करें तो कोई विकेट नहीं गिरा, मतलब प्रारंभिक बल्लेबाजों ने अच्छा स्टार्ट किया है. वाह भाई वाह, आज के दिन का सबसे बेहतरीन छक्का था वहां. इसे कहते हैं कम खर्चा भरपूर चर्चा. ये देखिए, आप देखिए जिस तरह से शॉट था. एक बार फिर ऑफ टर्म के आसपास गेंद थी, आगे वाली गेंद थी और बल्लेबाज थोड़ा सा पीछे हटे, खुद के लिए जगह बनाई और इनसाइड आउट बल्ले के बीचों बीच बल्ले का पूरा चेहरा दिखाते हुए खेल दिया था स्टक कवर के ऊपर से. ब्यूटीफुल शॉट, वंडरफुल बैटिंग, एक्सीलेंट बैटिंग बाय द बैट्समैन. नाउ स्कोर इस वक्त अगर देखे तो 22 रन. पहले ओवर में बल्लेबाजों ने मेला लूटा है. ये मेला में जो कि खेड़ में है, चिकने साहब आपका मेला है, राष्ट्रवादी का मेला है और मेला लूटने का मौका है. यह बांटने का समय नहीं है, सामने वाला लूटने वाले के लिए, लूटने के लिए तैयार है. ये देखते हुए बल्लेबाज बहुत अच्छी तरह से खेलते हुए. और रहीम भाई आपकी भी तारीफ होनी चाहिए, जो कि सादिक भाई पूरी टीम का, राष्ट्रवादी की जो पूरी हमारे शहर की टीम है, हमारी तालुका की टीम है, बहुत अच्छा काम किया है. वेल ऑर्गेनाइज टूर्नामेंट है. इस ओवर की अगली गेंद एक बार फिर, ओ इस बार हवा में लॉन्ग ओवर की तरफ खिलाड़ी मौजूद है. दैट शुड बी टेकन. पहली गेंद पर देखिए, पहले ओवर में चक्का लगा था, दूसरी ओवर के पहली गेंद पर यह विकेट गिरता हुआ. डब्लू मिला तो बब्लू बहुत खुश होता हुआ. खेल से बनता है चरित्र और चरित्र से बनता है राष्ट्र. खेल बहुत जरूरी है, खेलना बहुत जरूरी है. तो दोस्तों 10 तारीख से एक बार फिर एक बड़ा टूर्नामेंट आ रहा है, क्योंकि ये टूर्नामेंट टेनिस का समाप्त हो जाएगा तो खेल क्रिकेट एसोसिएशन का, कॉलोनी बॉयज का एक बड़ा टूर्नामेंट जल्द ही आ रहा है. 10 तारीख से इसका आगाज होगा तो क्रिकेट समाप्त नहीं होने वाली है.
इस ओवर की अगली गेंद एक बार फिर राइट राउंड विकेट उड़ाया पैक लगा के खिलाड़ी है और इसी तरह से कैच बहुत सुंदर विकेट गिरते तो गुच्छे में गिरता है। एक बार फिर डब्लू मिला बब्लू बहुत खुश होता था। दूसरा विकेट और एक बहुत बिल्कुल इस वक्त जो कि रन बनाने बनने के लिए रन बहुत ही अच्छी तरह से बन रहे हैं लेकिन अगर अच्छी गेंदबाजी भी होती है तो मजा आएगा एक बार फिर कमबैक करने का मौका। हैट्रिक बॉल है जैसे कि हैट्रिक की बात करते हैं तो बहुत सारी चर्चा हुई थी। रोहित शर्मा ने भी हैट्रिक ली थी मलिंगा के नाम पर तीन जो कि हैट्रिक है। ये ऑन साइड पर अच्छा शॉट हवा में गेंद है खिलाड़ी मौजूद और इसी के साथ आज के दिन की दूसरी हैट्रिक पूरी होती भी 1000 का इनाम मिलेगा हमारे सबके दिल की धड़कन पंकु चिकने की तरफ से 1000 का इनाम है। पैसा वसूल कैच पैसा वसूल हैट्रिक। इस्माइल भाई भी बहुत क्यूट इस्माइल भाई की तरफ से 5 रुपए का इनाम है तो इसका मतलब है इस हैट्रिक की कीमत 1500 बनी है 1500 बनी हुई है। और हमारे साथ यूट्यूब पर देखिए अगर तो मेरे हिसाब से 1500 लोग जमे हुए हमारे साथ जुड़े हुए हैं। लाजवाब बहुत बढ़िया क्रिकेट जाकिर जी मूसा इनकी तरफ से अब 200 रुपए का इनाम मतलब मैदान के अंदर गेंदबाजों का शेयर मार्केट बढ़ रहा है तो यहां अगर देखें तो हमारे जितने महानुभाव है वो भी इस मैच को बनाने की कोशिश कर रहे हैं। यहां भी शेयर मार्केट थोड़ा ऊपर जाता हुआ थोड़ा मुंबई की तरफ में जाओ तो 2 दिन में अगर देखें तो शेयर मार्केट बहुत खराब है कुछ अच्छे आंकड़े नहीं है। यहां आंकड़े बहुत अच्छे आते हो फिर रन संख्या कुल मिलाकर अब 22 के आगे नहीं गाड़ी जा रही है 22 रन 3 विकेट के नुकसान पर। लाजवाब गेंदबाजी बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी गेंदबाज कल्पेश द्वारा अगर और एक विकेट मिलता है तो आंकड़ा एक बार फिर बढ़ने वाला है 1500। पप्पू जी चिकने साहब इनकी तरफ से 1500 रुपए का इनाम है। टूर्नामेंट के ऑर्गेनाइजर्स है राइट अप राउंड द विकेट ये लेग स्टंप की तरफ जाते हो ज्यादा तारीफ होती है ना तो गेंदबाज को अच्छा नहीं लगता है। 1000 का इनाम तो आया है दूसरी तरफ से 200 रुपए भी आ रहे हैं और वहां तो मेरे हिसाब से अगर इस्माइल भाई की बात करें तो मैं पिछले 10-12 साल से इनको देख रहा हूं जब जब कुछ अच्छा होता है क्रिकेट के मैदान पर तो वो रुकते नहीं सीधा कॉम्बॉक्स की तरफ आते हैं तो 100 से 200 500 1000 तक वो इनाम लगाते रहते हैं हौसला बुलंद करने की कोशिश करते हैं। रन संख्या अब देखिए 23 रन 27 रन ऑन साइड पर एक बार फिर मौका ले लीजिए भाई विकेट मिलता हुआ पैसा वसूल ओवर चल रहा है गाने के साथ वापस आते हैं। लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही सब कुछ अच्छा चल रहा है शेयर मार्केट ऊपर जाना चाहिए नीचे जाना चाहिए बल्लेबाजों को क्या जल्दी है पैवेलियन में आने की ये कुछ समझ में नहीं आ रहा है बहुत ही खराब बल्लेबाजी हो रही है। ऑल ग्लिटर स्टार नॉट गोल्ड हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती तो हर गेंद छक्के के लिए नहीं आएगी आपको सिंगल भी खेलना है बेसिक पर जो कि निर्भर रहने की जरूरत है सिद्धांत को नहीं भूलना है। असफलता कब आती है जब आप सिद्धांत को भूलते हैं सिद्धांत को भूले आपने 4 विकेट दिए 4 गेंदे 4 विकेट 1 रन बना क्योंकि वह अगर वाइट के तौर पर मिला है ये एक बार फिर अच्छा शॉट हवा में 5वां विकेट जल्दी में हल्दी में जल्दी बल्लेबाज वापस आते बहुत ही खराब और यहां देखिए यहां जो कप्तान बहुत खुश है 500 रुपए का इनाम देते हुए इस्माइल भाई के चेहरे पर यह स्माइल आता हुआ एक गाने के साथ वापस आते चर्चा चल रही है। लेकिन 1 मिनट बैठे गाना बंद होना चाहिए क्योंकि ये एक बार फिर 500 रुपए का इनाम आया है। शब्बी वालुपकर इनकी तरफ से 500 रुपए का इनाम है। इस टूर्नामेंट के ऑर्गेनाइजर्स जो कि पप्पू साहब इनकी तरफ से 1000 का इनाम है 200 रुपए का इनाम आया कुल मिलाकर ये जो कि 3000 तक चला गया है पैसा वसूल ओवर रहा है। आखिरी गेंद है अभी अगर देखें तो और एक बार विकेट गिरेगा तो 1000 का इनाम है चिकने के सांप की तरफ से क्या होगा इस मैच में सामने विलास है बहुत ही चतुराई के साथ बल्लेबाजी करने वाले बल्लेबाज बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी कल्पेश द्वारा राइट अप राउंड विकेट ये भी उड़ाया ले लीजिए भाई भाग मिलकर भाग ओ 1000 मतलब ये जो आंकड़ा है वो 5000 की तरफ जाता
लेकिन इस टूर्नामेंट का शेयर मार्केट थोड़ा ऊपर चला गया है। इस ओवर में थोड़ा इंटरटेन भी हुआ है, पैसा वसूल मैच हुआ हो रहा है, लेकिन उससे पहले पैसा वसूल ओवर होता था। रन संख्या देखिए, दो ओवर के बाद अब 29 रन 29, पहले ओवर में 22 थे, दूसरे ओवर में बल्लेबाजों को ज्यादा जल्दी थी पैवेल में आने की, और इसी के कारण गेंदबाज भी बहुत ही अच्छा हुई और गेंदबाजों को चढ़कर गेंदबाजी करने का मौका मिला। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के साथ वापस आते हैं राष्ट्रवादी आमदार चषक 2018 में, एक ब्रेक लेते हैं और वापस आते हैं। बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी, कल्पेश की तारीफ होनी चाहिए, बहुत सुंदर गेंदबाजी, और गेंदबाजी करने के लिए कुणाल आए हैं। पांच गेंदों में 5 विकेट, यह भी कीर्तिमान बनेगा और रिकॉर्ड बनेगा यहां इस मैदान पर। रिकॉर्ड टूटने के लिए बनते हैं। प्रवीण तांबे ने बहुत अच्छा कारनामा किया था, अभी भी अगर देखें तो एक टूर्नामेंट अलग चल रहा है, चलिए इसके ऊपर हम बात करेंगे। शारजा में टूर्नामेंट चल रहा है, ऑफ टॉप के बाहर एक बार फिर ऑन साइड पर क्रॉस बैट के साथ खेलने की कोशिश, गेंद गली की तरफ जा रही, एक रन का इजाफा। देखिए इस वक्त फ्लाइंग स्लिप पर खिलाड़ी है, एक खिलाड़ी पॉइंट की तरफ है, उसके बीच के जो फासला उस फासले पर गिर जाते हैं। रन संख्या अब 30 रन, शाम का समय है, इस शाम के समय में अगर 18 गेंदों में 40 या 45 रन भी बनते हैं तो भी काफी हो सकते हैं, क्योंकि आप शाम के समय में मैदान के अंदर जाते हो तो गेंद को साइड करना इतना आसान नहीं होता, लेकिन बल्लेबाजों को रन बनाने होंगे। ये उड़ाया तारा मंडल में, क्या लिफ्ट किया है, मुझे अन्ना जी का गाना याद आ रहा है, थोड़ा सा लिफ्ट करा दो। गेंद बॉडी लाइन के बाद 6 रन, लॉन्ग ऑन के खिलाड़ी गुस्सा होते हुए नहीं, आपको अपने आप को रोक पाए, क्योंकि 5 गेंदों में 5 विकेट गिरते उसके बाद में छक्का आता है तो जरूर गुस्सा आता है, लेकिन अपने आप पर काबू भी रखना बहुत जरूरी है। ये खेल है, उसमें सब कुछ होता रहेगा, इसीलिए बहुत इंटरेस्टिंग खेल है क्रिकेट का खेल, क्रिकेट की तरह रंग बिरंगा खेल है। राइट अप राउंड द विकेट, ये अच्छी गेंद, बहुत बढ़िया। गेंदबाज ने कहा था लॉन्ग ऑन के खिलाड़ी को कि अब मैं अच्छा करूंगा, आपको कोई यहां परेशान होने की जरूरत नहीं है। अब उनकी तरफ से कोई रिएक्शन नहीं हो अपनी जगह पर जाते हुए, लेकिन एक बार फिर उनका सर हिल रहा है और देखिए बहुत सारी बातें कर रहे हैं। रन संख्या कुल मिलाकर अब 37 रन, 37। दर्शकों मैं आपको बताना चाहता हूं इस वक्त मुकाबला चल रहा है इस्माइल 11 और नवाज 11 के बीच, राइट अप राउंड विकेट गेंदबाजी कर रहे हैं। उड़ाया, पंख लगा के भागने की जरूरत नहीं है, पक्का पक्का पक्का, और यह लगा शानदार छक्का, ब्यूटीफुल शॉट, और जैसे कि बॉलर ने इस गेंद को वापस ही बुलाया है। आई गेंद वापस, आम के बहुत सारे पेड़ है और आने वाले दिनों में एक बहुत अच्छी शॉपी बन सकती है यहां भी। रन संख्या कुल मिलाकर अब बढ़ती हुई 43 रन, ओवर तीसरा आखिरी प्रगति में। एक बार फिर कुणाल गेंदबाजी करने के लिए, राइट ग्राउंड विकेट यहां में है, लॉन्ग ऑन पर खिलाड़ी है, वही खिलाड़ी है, ले लीजिए भाई, लॉन्ग ऑन पर बहुत ही अच्छा कैच, विकेट गिरने का सिलसिला जारी है। इस ओवर में दो बड़े शॉट भी आए थे, लेकिन लॉन्ग ऑन पर बहुत ही अच्छा कैच, और इसी के साथ विकेट गिरता हुआ मधुर संगीत बजता हुआ।
मिस्टेक वाला गाना बीच मैदान पर नहीं बजना चाहिए, अगर वो बजेगा तो आपका बैंड बाजा बजने वाला है, मतलब आपका हेलीकॉप्टर तैयार है उड़ने के लिए घर की तरफ जाएगा। ये देखते हुए आपको एक बार फिर इस मैच में सुबह का समय अलग होता है, रात का समय अलग होता है, शाम का समय अलग होता है, दोपहर का सत्र अलग होता है। इस वक्त गेंद को साइड करना और गेंद को पिक करना एक बार फिर बल्लेबाज की अग्नि परीक्षा, इसलिए बल्लेबाज को जल्दी अंदर जाना है, अगला बल्लेबाज तैयार रखना है। और अगर बारी आई तो, नहीं आई तो अच्छी बात है, इस्माइल नहीं चाहेंगे कि ये दूसरा तीसरा बल्लेबाज है या तीसरा चौथा बल्लेबाज मैदान के अंदर जाए, लेकिन अग्नि परीक्षा हो सकती है क्योंकि अब साइड करना आसान, यहां से बोलना आसान, करना बहुत कठिन है दोस्तों। एक बार फिर गाने के दूसरे पार जाएंगे मैच की तरफ और पड़ाव क्रमांक दो की तरफ। गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज तैयार, गेंदबाजी एक बार फिर बोलर्स तैयार, मुस्तकिन गेंदबाजी करेंगे, सामना करेंगे बल्लेबाज कल्पेश। हवा में गेंद, मैंने यही कहा था गेंद को साइड करना इतना आसान नहीं होगा। पहले विकेट का पतन, स्टनिंग स्टार्ट, पहले विकेट का पतन। वेलकम बैक विशाल, वापस जाते हुए एक विकेट के नुकसान पर रन संख्या जीरो, इसी जीरो से हीरो निकल। नए बल्लेबाज कुणाल, प्रारंभिक बल्लेबाज कल्पेश और विशाल। आज विशाल ने कुछ अच्छा नहीं किया, पहली जो कि सफलता मिली है, पहला विकेट गिरता हुआ और बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी मुस्तकिन द्वारा। 46 रनों की जरूरत है, आखिरी मुकाबला आज के दिन का चलता हुआ, राइट मुहूर्त विकेट। ओ अच्छा शॉट, हवा में खेल दिया, गैप में खेल जाते भी एक बार फिर, ओ वाह भाई वाह, तालियां बजाने का मौका दिया, ठोको तालियां, सुंदर सुंदर, बहुत बढ़िया फील्डिंग। कि ये गेंद तक नहीं पहुंचने वाले हैं, कमिटमेंट की कोई कमी नहीं है, क्रिकेट में फुटबॉल का नजारा मैंने देखा, लेकिन परिणाम अच्छा है, सबसे अच्छी बात है, इसका फायदा अपने टीम के लिए होगा, बहुत बढ़िया सुंदर, तारीफ करनी होगी। संदीप, संदीप जी है ना, संदीप बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, पहले आपने चार कैच लिए हैं, इनकी तरफ देखिए, अगर युवा क्रिकेट को देखना चाहते हैं इनकी एनर्जी की तरफ देखिए, इनकी सोच की तरफ देखिए, बहुत ही बढ़िया फील्डिंग करते हुए, दैट्स वेरी गुड डिलीवरी। और इसी के साथ बाहरी किनारा, विकेट कीपर का सहारा, हो जाता हुआ काम तमाम, विकेट गिरता हुआ। फजील बीच मैदान पर जा रहे हैं, इसीलिए मैंने कहा कि 45-40 रन अगर बनते तो भी काफी हो सकते हैं, क्योंकि आप दोपहर का मैच देखते हैं, दिन भर की क्रिकेट देखते हैं वो अलग होते हैं, जहां सूरज की रोशनी होती है, गेंद आपको दिखाई देती है, यहां से देखिए आप अगर मैदान की तरफ देखिए या बीपीजी वाला फाइन लेग का एरिया देखिए, वहां देखने के लिए आपके लिए बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। ओहो लाजवाब बेमिसाल, एक बार फिर बाहरी किनारा, विकेट कीपर का सहारा, लगातार विकेट गिरने का सिलसिला जारी है। थैंक यू डीजे, इसे कहते हैं जवाबी हमला, प्रश्न का जवाब उत्तर से, ईंट का जवाब पत्थर से और गेंद का जवाब बल्ले से। एक तरफ देखिए गेंदबाज असरदार हो रहा है, सरदार बनने का मौका मिल रहा है, लाजवाब गेंदबाजी, हैट्रिक वहां रहेगी। अगर आपने 5 विकेट लिए तो हम भी 5 विकेट ले सकते हैं, हम भी हैट्रिक कर सकते, ये दम कम है, वक्त बहुत कम है, वक्त बहुत कम है, जितना दम लगाना है लगा लो, कुछ लोगों को मैं जगाता हूं, कुछ लोगों को आप जगा लो, क्योंकि यहां वक्त की तरफ मैं जाऊंगा, वक्त बहुत महत्वपूर्ण है। अब रन संख्या देखिए, कुल मिलाकर 2 रन 2 विकेट के नुकसान पर, बहुत ही खराब 3 विकेट के नुकसान पर, हैट्रिक ऑन मुस्तकिन के लिए मौका। प्रवीण अमरे 40 के ऊपर है अभी भी, इन्होंने वाला किती पाहिजे बर, किती आले 41 42 पाहिजे ना 12।
खेलने की कोई कोशिश नहीं है, व्हाइट बॉल का इशारा होता बाप। साजिद और सूरज हमारे ऑफिशियल बीच मैदान पर, 12 गेंदों का खेल, जैसे 41 रनों की जरूरत है और इस मैच में एक बार फिर जाट डालने के लिए एक बड़ा शॉट चाहिए। एक बड़ा शॉट आएगा तो मैच में वापस आने का मौका मिलेगा, मोमेंटम की जरूरत। खेलना चाहते थे, कई गेंद कई चली गई है क्योंकि लेग ब्रेक गेंद है और बहुत बढ़िया सुंदर रनिंग बिट द विकेट और 2 रन मुकम्मल किया दोनों बल्लेबाजों ने। 11 गेंदों का खेल शेष है, 11 गेंदों में जीतने के लिए अब 39 रनों की जरूरत है और बड़े शॉट की मांग हो रही है। मुझे वो अदनान जी का गाना याद आ रहा है, थोड़ा सा लिफ्ट करा दो, लिफ्ट करने की जरूरत है। प्रेम ना हो तो सगे संबंध ही बेकार है, पैसा ना हो तो पॉकेट बेकार है और छक्का ना हो तो क्रिकेट बेकार। एक बड़ा शॉट खेलेंगे तो मैच में वापस आने का मौका मिलेगा। मिस टाइम स्ट्रोक है, क्या कैच होगा और इसी के साथ ये क्या छोड़ दिया, ये दुआ मांग रहे थे, दवा की जरूरत। बहुत ही खराब फील्डिंग, आसान कैच था, गोदी में कैच हो सकता था, लॉलीपॉप था, लड्डू था। शादी का समय नहीं है, लड्डू बांटने का समय नहीं है, क्योंकि आप एक गलती करते हो तो मैंने पहले एक गाना डिजाइपर ने बहुत अच्छा बजाया था, गलती से मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। गलती से मिस्टेक होगी तो बल्लेबाज एक दो बड़े शॉट खेलेंगे तो वापस आने का मौका मिलेगा। क्रिकेट एक ऐसी परिभाषा है, ऐसा जुनून है, ऐसा जज्बा है कि जिसका वर्तमान हम आखिरी गेंद तक नहीं बता सकते। एक बार फिर अपने बॉलिंग मार्ग पर, हवा में तारामंडल में गेंद है, एक बार फिर मिड विकेट की तरफ जाते हुए खिलाड़ी मौजूद है, संदीप तो नहीं छोड़ने वाले हैं, सेफ ब्लॉकर और विकेट गिरने का सिलसिला जारी है और इस्माइल जी के चेहरे पर अब कोई मुस्कुराहट नहीं होगी। अब एक तरफ सन्नाटा है, एक तरफ खुशी है। गाने के साथ वापस आते हैं, चर्चा जारी। से 46 रनों की जरूरत है, अभी भी लक्ष्य बहुत दूर है, दिल्ली बहुत दूर है बल्लेबाजों के लिए। यह भी अच्छा शॉट, बहुत करीब खेलते हुए तेजे के साथ बॉडी लाइन की तरफ जाते भी, काउ कॉर्नर पर खिलाड़ी मौजूद है, रन लेने की कोशिश कर रहे थे नॉन स्ट्राइकर इनके बल्लेबाज, लेकिन स्ट्राइकर इनके बल्लेबाज ने मना किया। दूसरा ओवर है, 3 ही ओवर का मैच है, रन संख्या 15 रन, मतलब अभी भी यहां से जीतने के लिए 31 रनों की जरूरत है। दबाव पूरी तरह से अब बल्लेबाजों के ऊपर है, लेकिन एक शॉट अच्छा खेलेंगे तो वापस आने का मौका मिलेगा। उड़ाइए तारामंडल में, लॉन्ग ऑफ पर खिलाड़ी है, क्या कैच होगा, गेंद बॉडी लाइन के पास, 6 रन। पिक्चर ऐसे समाप्त नहीं होगा इस कहानी में, एक बार फिर ट्विस्ट, लाजवाब है। अब जीतने के लिए यहां से 25 रनों की जरूरत है। थैंक यू डीजिंग, 6 गेंदों का खेल जैसे और जीतने के लिए 25 रनों की जरूरत है, 7 चंडू 25 धावन की आवश्यकता, इसीलिए छक्का आना बहुत जरूरी था। अगर ये बड़ा शॉट नहीं आता तो मेरे हिसाब से बहुत दिक्कत हो जाती, लेकिन अगर पहली 2 गेंदों पर 2 बड़े शॉट आते हैं तो मैच एक बार फिर बन सकता है, मैच एक बार फिर पक सकता है। 6 गेंदे 25 रनों की जरूरत, 7 चंडू 25 धावन की आवश्यकता, कंपल्सरी चेस है। तो एक बार फिर विलास को मौका मिला है, बल्लेबाज बीच मैदान पर डटे हुए, कुणाल के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी, एक गेंद पर बल्लेबाज मोहसिन, इनके कंधों पर भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी, दोनों के पास क्षमता बहुत। इस ओवर की पहली गेंद, गॉल, क्लीन बॉल, चारों खाने चीत, 100 सोनार की 1 लोहार की, चारों खाने चीत कर दिया। यू मिस आई हिट करके इशारे हो लड़की, ये बन सकता है। सोच का दायरा अभी भी अच्छा होना चाहिए, मैच को पकड़ कर रखने की जरूरत है। अगर थोड़ा सा भी मोमेंटम बनेगा तो एक बार फिर वापस आने का मौका मिलेगा। विलास एक्सपीरियंस कैप्टन है, नए बल्लेबाज बीच मैदान पर, अब सलमान आए हैं, क्या सलमान अपने मसल दिखाएंगे। पर अच्छा शॉट, ऑन साइड पर खिलाड़ी मौजूद, खराब फील्डिंग, इस फिल्म को ऐसे समाप्त नहीं होना है, मिलेंगे रन 4 तो बेड़ा होगा पार।
निर्विकेट पर खिलाड़ी को हटाया गया है, कैप्टन है और वो जा रहे अब फाइनल की तरफ। पैकर भी है, अब चार गेंदों का खेल, चार गेंदों में जीतने के लिए अब 21 रनों की जरूरत है। बहुत अच्छा शॉट बल्लेबाज सलमान का, चौके के साथ शुरुआत। इस ओवर की अगली गेंद ऑफ टर्म के बाहर गेंद थी और इस गेंद को खेलना चाहते थे ऑन साइड पर। बहुत बढ़िया, तीन गेंदे और तीन गेंदों में जीतने के लिए 21 रनों की जरूरत। एक बार फिर देखिए नवाज 11 ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। एक तरफ अगर देखें तो इस्माइल की टीम अब हार के कगार पर है। क्या इस कहानी में और कुछ बचा हुआ है, क्या ट्विस्ट होगा? सुंदर गेंदबाजी, देखिए बहुत अच्छा मुकाबला नवाज के लिए इस वक्त है। कल 9 बजे यह टूर्नामेंट एक बार फिर शुरू होगा। आमदार चषक 2018 का रण संग्राम, कल कृष्णा सातपुते खेलने वाले हैं, पप्पू तोड़कर भी आएंगे, बहुत सारे खिलाड़ी आएंगे। तो दोस्तों कल 9 बजे एक बार फिर आपको वापस आना है। पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे तो बनोगे लाजवाब। इस बार नवाज ने बहुत अच्छा काम किया है, शानदार प्रदर्शन, हवा में खेल दिया, हवाई फायर। 6 रन तो जरूर मिलते हैं लेकिन छक्का तो आया, आते आते बहुत देर कर दी है। थैंक यू डीजे ओम साई भरते। और मॉर्निंग के बीच पहला मुकाबला 8:30 बजे शुरू होगा। सेट बैंड पर खिलाड़ी, पॉइंट पर खिलाड़ी कवर है, एक लॉन्ग अप पर खिलाड़ी मौजूद है। अब कितनी गेंदे बची हुई, 1 गेंद और 13 रनों की जरूरत। यह भी अच्छा शॉट है, बहुत बढ़िया तरीके से खेले है। आखिरी दो अच्छे शॉट आए लेकिन तब तक मैच से हाथ से जो कि फिसल चुका था। इस्माइल भाई थोड़ा सा नाखुश है लेकिन क्रिकेट में यह सब कुछ होता रहता है। तो इस्माइल भाई आपको मैं विनती करूंगा आप मंच की तरफ आइए और कल्पेश आप भी मंच की तरफ आए और आपके लिए इनाम इंतजार कर रहा है। कितना इनाम है,